वेलकम 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 बैक एवरीवन टू स्मार्टी पर रिएक्ट्स। आज के दिन हम लोग रिएक्शन देने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ बहुत ही अच्छे दोस्तों के ऊपर, कुछ ऐसे मोमेंट जहां पर दोस्तों ने एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करी या तो फिर उनको अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर मरने से बचाया। इस वीडियो में, जिस वीडियो का नाम है गुड फ्रेंड्स इन माइनक्राफ्ट, अब देखो अगेन मैं इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बिकॉज इसके टाइटल पे भी मेरा नाम है एंड तुम लोगों को पता है मेरे फ्रेंड्स कौन कौन है इस वक्त माइनक्राफ्ट के अंदर, एंड आई हैव नो आइडिया कि इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों के कौन से अच्छे मोमेंट्स डाले हुए। भाई तुम लोगों को याद जरूर होगा लास्ट वीडियो मैंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया था, इविल फ्रेंड्स इन माइनक्राफ्ट। ये वाला टाइटल सबसे ज्यादा बेस्ट बैठता है मेरे दोस्तों के लिए, बिकॉज़ वो लोग लिटरली इविल थे भाई। और आई गेस इंडिया में सबसे पहले मेरे ही दोस्तों ने मुझे पेलना स्टार्ट किया, उसके बाद बाकी लोगों के दोस्तों ने उनको पेलना स्टार्ट किया। तुम लोग देख रहे हो मेरे दोस्त इतने ज्यादा इविल है कि बाकी लोगों के दोस्त भी इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मेरे दोस्तों के बहुत ही ज्यादा एपिक एपिक मोमेंट्स के लिए। इफ यू गाइस आर एक्साइटेड लीव अ लाइक। ये वाली सीरीज तुम लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है स्मार्टी बाय रिएक्ट्स की, इसीलिए इन वीडियोस को बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ब्रो। क्या मैं तेरे लिए कुछ All right. तो लाइव इंसान एंड मिथ पैट। अरे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, इन दोनों की जो वो केमिस्ट्री है ना एक दूसरे के साथ, लाइक कॉमेडी करने वाली, वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है इन दोनों की वीडियोस को जब ये दोनों साथ होते हैं, स्पेशली वो वाले मोमेंट्स देखने के लिए बहुत ही ज्यादा। ओके एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैंने थोड़ा सा फोकस नहीं किया, मैं फिर से उसको थोड़ा सा बैक करके देखना चाहता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है। पॉपी लेकर आया निश्चय भाई, पॉपी लेकर आया मिथ पैट भाई के लिए। ओके ये तेरे लिए। छी यार, इतना अच्छा फ्रेंडशिप वाला मोमेंट था, और ये क्या बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया तुमने, मुझे बताओ ये किसने एडिट करी है वीडियो भाई, क्यों? वो तेरे लिए। No way। रिश्ता मंजूर करता हूँ। हेलो, रिश्ता मंजूर करता हूँ क्या मतलब भाई? छोड़ी बच्ची हो क्या? यार मैं तो सोच रहा था कि इन दोनों की भी अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है, ये दोनों भी उसी टाइप की बातें लगे करने। यार ये रिश्ता मंजूर करता हूँ। हाय छोड़ी बच्ची हो क्या? ओके मेरे पास एक आइडिया है। ओह माय गॉड, मैं इसके लिए यहाँ पर ये तो मैं हूँ वगैरह बना। एक सेकंड रुको, ये चीज मैं तुम लोगों को 100% बोल सकता हूँ, ये हमारे हिमलैंड से रिलेटेड तो नहीं है। आई मीन आई गेस ये मेरे हिमलैंड का season 1 या season 2 था, बिकॉज तुम लोग देख सकते हो मेरे चीक्स, देखो इस वक्त मैं कितना मोटा हूँ यहाँ पे, और अब तुम लोग मेरी शक्ल देखो एकदम पतला स्लिम डैम, मेरी यहाँ पे जॉ लाइन तक दिख रही है भाई। तो ये वाला जो टाइम है इस टाइम पे तो मेरे दोस्त मेरे पीछे नहीं पड़े थे। आके रखूं, ये कौन सा मोमेंट है जब मैं सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में खेल रहा हूँ तो गुड फ्रेंड्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है? देखते हैं। इसके वजह पर खाना ऑलवेज होना ही चाहिए। अभी कहाँ जा रही है वापस? क्या ये पागल है, आग के बीच वापस चला गया। मेरे को याद आ चुका है, मेरा बाटा भैया था ये बंदा, या तो फिर आई गेस डिनर बोन था ये मेरे घोड़े का नाम, एंड ये बंदा गलती से यहाँ पे लावा के बीच चला जाता है, एंड उसके बाद मैं उसको कैसे बचाता हूँ, दैट्स व्हाई ये मोमेंट यहाँ पर डाला गुड फ्रेंड्स में, जिसमें इसके इस क्लिप के अंदर मैं अच्छा दोस्त हूँ अपने घोड़े का। ओह माय गॉड, मेरे पास लेट्स सी मैन, देखो दोस्तों आई मीन इसके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, ये जल के मारे मर जाने वाला है गाइस। अब मैं इसको बचाने कैसे जाऊं? ओके मेरे पास एक आईडिया है, जल्दी 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 1 2 3 लेट्स गो। ये बहुत एपिक था उस वक्त जब मैंने क्लच किया था, ये बहुत ज्यादा एपिक था मेरे लिए, मेरे को बहुत मजा आया था उस टाइम पे यार। और यहाँ पे मैंने अपने बाटा भैया को बचा दिया, मैंने डिनर बोल का। वो पहला वाला फायर रेशन का। ओके, मैंने नीचे क्या लिखा है गाइस, कैन वी हिट 200K लाइक फॉर द ओपी स्टंट। लग गया अभी भी कर लो भाई, 2 लाख लाइक। छोटे ठीक है भाई, तू ठीक है क्या छोटे, मेरे को बता अबे कहाँ घुस रहा है नीचे। अच्छा हाँ यार, मेरा डिनर बोन था एक्चुअली, इसका जो नेम टैग है इससे क्या होता है, इस नेम टैग से कोई भी जानवर वगैरह उल्टा हो जाता है, तो ये बेचारा उल्टा चल रहा था, एंड घोड़ा नॉर्मली जब अपने पैर को खड़े करता है तो उसकी मुंडी ऊपर हो जाती है, और जब भी उल्टा है तो उसकी मुंडी जमीन से नीचे घुस रही है। बहुत अजीब लग रहा है देखने के लिए, बट एक और बात ऐसा ही इंसान कि तू वापस से लावा के बीच काई को गया मरने के लिए। हाँ जैसे इसको बड़ा भारी पता है, तो घोड़ा है भाई, तू घोड़े से कैसे पूछ सकता है स्मार्टी भाई कि तू वापस लावा के बीच क्यों गया। जब भी मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ मैं खुद को ही रोस्ट कर रहा था भाई, क्यों आई अब और जा रहा फिर से लावा के बीच, देखो इसको। When your dog saves you, when your dog saves you, okay? Oh oh, कहाँ? ये यहाँ कैसे आ गई? Oh my god! Oh my god! माई गॉड गाइस, तुम लोग एक चीज देख रहे हो, यहाँ देखो बीस पशु के साथ 3 हर्ट्स है, एंड तुम लोग एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, जब बीस पशु आगे चल रहा होता है ना भाई, बंदे को पता भी नहीं कि उसके पीछे यहाँ पे स्केलेटन है, एंड यहाँ पे देखो, देखो मैं यहाँ पे कुछ एनालिसिस तुम लोगों को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्या एनालाइज कर रहा हूँ। आर्मर यहाँ पर आधा है, दिस मीन्स आयरन का आर्मर पहना हुआ है, अगर डॉगी पीछे नहीं होता ना बीस पशु का, तो ये जो स्केलेटन है सीधा एरो मारता, एंड यहाँ पे भी मौत हो जाती, सारा सामान छूट जाता केव के अंदर, तो डॉगी ने एक्चुअल जान बचाई है। कहाँ ये देखो यहाँ पे एक्चुअल जान बचाई डॉगी ने, खेल दिया
वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ये तो। बिल्कुल पहलेगा भाई, आपका डॉग ही है यार। डॉगीज बड़े मस्त हो गए। माइनक्राफ्ट के डॉगीज बहुत ज्यादा ऑसम होते हैं यार। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कोई तुम पे हमला करेगा अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हारे को बचाने के लिए आएंगे। और अभी मैं क्या देख रहा हूँ भाई, 20 वर्षों देखो दो हंगर में चल रहा है भाई, भागने लायक स्प्रिंट भी नहीं रखा हुआ ब्रो, सीरियसली। वो क्रीपर भाई, अभी मकड़ी आ गई, मकड़ी भी मार सकती है डाई हर्ट्स में। अच्छा आई गेस अभी फिर से कुत्ता बचा देगा। ओ माय गॉड, दिस डॉग इज गॉड। ये बात मेरे गुगलू, अब तू ऐसा कर भाई। अच्छा ये गुगलू डॉग है उसका, मेरे को याद है, मेरे को याद है। थिंक लाइक दिस, ओके ऐसा करके। ओ ओ भाई तू यहाँ पर कहाँ से आया? याद है मेरे को, याद है मेरे को। अबे खतेड़े डॉगी तू पर क्यों आया यार, अगर नीचे गिर गया कैसे मर जाएगा। ये भी मेरे को याद है, हमारे सीजन 2 का वर्ल्ड था ये वाला, एंड सीजन 2 हिमलैंड्स की, सीजन 2 की बात कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पर मैं ऊपर के लिए टावर अप कर रहा था, बिकॉज हमारे टॉप में पता क्या था गाइस, वहां पर मैंने एक ऐसे स्पेसशिप टाइप चीज बनाई थी जिसके ऊपर मैंने उस विलेजर को डाला था, याद होगा तुम लोगों को, कर्स चाइल्ड। अगर तुम लोगों को याद है ना कर्स चाइल्ड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना उन लोगों को जिनको नहीं पता कर्स चाइल्ड कौन था। और मैं उसको ऊपर से आजाद करने के लिए जा रहा था, बट मेरा कुत्ता आ गया भाई मेरे पीछे आई चीज, मेरे को नो आइडिया ये बंदा कैसे वहां पर टेलीपोर्ट करके आ गया। आई गेस मैंने उसको खड़ा रख दिया होगा, एंड जैसे मैंने प्लेटफॉर्म बनाया ऊपर देख सकते हो तुम लोग ये वाला, इसको जैसे जगह मिली ये ऊपर टेलीपोर्ट हो गया। और जो मैंने उसको बचाया उस टाइम पे ब्रो फट गई थी मेरी बुरे तरीके से। मैं ऐसे नीचे जाऊंगा तो शायद टेलीपोर्ट करके आ जाए, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता यार इसकी जान का। ओके हाइची तो टेंशन मत ले ठीक है, मैं भी नीचे आने वाला हूं एंड कुछ ना कुछ करने वाला तेरी सेफ लैंडिंग का जुगाड़ ठीक है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर दिखा सकता गाइस कि इसको खड़ा करता, डायगनली छलांग मारता, ये टेलीपोर्ट कर लेता। तो टेंशन मैंने पता नहीं क्यों ऐसा किया नहीं, तू आई थिंक मैं अपने पूल के अंदर मैं बेवकूफ था उस टाइम पे, कर सकता हूँ आई डोंट नो, लेट्स सी नहीं कर सकता हूँ कर सकता हूँ। ओके Oh my God, wait a second guys. एक चीज मैंने यहाँ पर भी नोटिस करी, हिडन डिटेल जो चलता है ना आजकल, हिडन डिटेल मैंने नोटिस करी। चेक दिस आउट, कर सकता हूँ। चेक दिस आउट गाइस, ये दिख रहा है ऊपर, ये हमारा थूकचंद, थूकचंद था शायद इसका नाम है ना। और मैंने इसको अपने महल के इस वाले टावर के टॉप में ना रेल कार्ड वाले सिस्टम पे फंसाया हुआ था, बिकॉज ये बंदा मेरे पे थूकता था बहुत बारी, इसने मेरे को दो या तीन बार थूका मेरे ऊपर इस लामा ने। इसको मैंने जिंदगी भर के लिए वहीं पर टांग दिया भाई हमेशा के लिए। अब तुम लोगों को बताया हमारा सीजन 4 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और गाइस इस जगह का मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं यार, यहाँ पर मैं जा ही नहीं पा रहा भाई, इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है कि मैं कभी पहुंच ही नहीं पा रहा यहाँ पर। बहुत जल्द मैं वापस जाऊंगा यार इस जगह को विजिट करने के लिए, पक्का। ओके पक्का, आई हैव अ प्लान, इसको मैं यहाँ पर करने वाला हूँ ठीक है, यहाँ से पानी को उठाने वाला हूँ। नाउ लेट्स गो अप, अब मैं इसको तोड़ने वाला हूँ भाई, तेरे को फॉल डैमेज ना मिले बस भाई, ये चाहता हूँ यार पानी के बीच। तो प्यारा है डॉगी यार, और ये नीचे करता है, और ये सेफ है एकदम 100% सेफ राइट। अगर ये मरता तो यहाँ पर लिख के आ जाता कि ये मर चुका है। ओके सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को मैं सिंगल करने वाला हूँ। अबे कहीं इसको वो तो नहीं हो गया सांस लेने में दिक्कत? डॉग तो ठीक है, डॉगी हमारा ठीक है एकदम, लेट्स गो। जरा इधर निश्चय जल्दी इधर आ। व्हाट, ये क्या एडिटिंग है भाई, कितनी ज्यादा ऑसम एडिटिंग है ये, कितनी ज्यादा ऑसम एडिटिंग है, फिर से देखो एक बारी। इधर निश्चय जल्दी इधर आ। ये चीज मेरे को पता है, पर मुझे एक बात बताओ भाई, क्यों आयरन गोलम से पंगा क्यों, जब आपने कोई आर्मर नहीं पहना हुआ है? मत करना गाइस तुम लोगों ने कभी भी, बहुत बुरा हश्र करता है बंदा, बहुत ज्यादा बुरा हश्र करता है। मार दिया उसको, आजा आयरन मैन, तेरे लिए आयरन है। वाह कितने ज्यादा मेहनत करके आयरन गोलम को मारा, और अपने दोस्त को वो आयरन भी दे दिया और उसकी जान भी बचा दी साथ में। या गुड फ्रेंडशिप का ये परफेक्ट एग्जांपल है गाइस, आयरन मैन के लिए आयरन मिल गया। मुझे यहाँ पर एक ऑटो स्मेल्टर बनाना है और एक इनफाइनाइट रिसोर्स बनाना है, और भैंस की एक सेकंड फांसी लगी हुई है भाई इसको, लामा को फांसी लगी हुई है। ये क्या हो रहा है हमारे कासल में, इसकी भैंस की टांगी, ट्रेडर पिटेगा, ट्रेडर पिटेगा उसको लटका रखा इधर। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, अरे नहीं, ये क्या किया? हाँ अभी मैंने इसको बचा लिया।
उज्जवल भाई मेरे को एक बात बताओ प्लीज, इसको फांसी लगी हुई है, इसको बचाना था, ठीक है मान लिया, इसके ओनर को भी मार दिया और इसके भाई को भी मार दिया उसको बचाने के चक्कर में, वाओ यार। देखा जाए तो ये गुड फ्रेंड है एक बंदे के लिए, बट बाकियों के लिए इट्स अ इविल फ्रेंडशिप मोमेंट भाई, सीधे से बात है जो यार। बड़े बहुत ज्यादा फनी था यार वहां पे बेचारा टंगा हुआ है गलती से, वो भी ऑफ कोर्स ट्रेडर जान उसके नहीं करेगा एंड पेल दिया भाई उसको। नाइस, मैं होता नहीं की जगह पे मैं भी यही करता 100% खाता यार। मैंने उसको तो मैं ऐसा ना लावा के बीच घुसा के मारता सीधी से बात है। तू आज से मेरा दोस्त है, चल मेरे घर। देखो कितना मस्त मोमेंट है भाई वाला, इसको कितनी बुरी तरह लटका रखा था मैंने, ऐसे सच्ची में माइनक्राफ्ट में पहले कभी नहीं देखा। बट एक बात बताऊं मैं, उज्जवल भाई की थोड़ी सी किस्मत अच्छी है, ये लामा का लटका हुआ नहीं होता तो इसकी आंखों के सामने अगर ट्रेडर को पड़ती तो ये भी थूक रहा होता अभी इनके ऊपर, इसको भी यहाँ पे घेरा लग चुका होता अभी तक भाई। तू यही बंदे रहेगा ठीक है, डिस्पॉन तो नहीं होगा, दिस आर माय सब्सक्राइबर्स नहीं होगा ठीक है। अब यहाँ पर बंदे के सब्सक्राइबर क्लिप स्टार्ट हो चुके जो कि ऑफ टॉपिक होगा ऑफ कोर्स, तो वो चीज हमको देखने की जरूरत नहीं है। और अगर सो दीज आर सम मूवमेंट्स जिसमें हम लोगों ने देखा कि माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ दोस्त, कुछ रियल दोस्त कैसे होते हैं। एंड मैं एक्चुअली होप कर रहा था कि शायद से हमारे सीजन 3 या फिर सीजन 4 के मूवमेंट्स आएंगे हेमलैंड्स के यहाँ पर, जो कि नहीं आए एज एक्सपेक्टेड। मतलब मैं सोच रहा था कि शायद आ जाएंगे बट एक्सपेक्टेशन वही थी कि नहीं आएंगे एंड वही हुआ यहाँ पे, बिकॉज सीजन 3 एंड सीजन 4 के अंदर कोई भी ऐसे मोमेंट नहीं जहां पर मेरे तीन दोस्तों ने फलाना जी एसजीओ एंड ड्रीम भाई इन्होंने कुछ अच्छा किया मेरे लिए भाई, इन्होंने हमेशा पेला है मेरे को, दैट्स व्हाई। वो सब कुछ वहां पे कवर हो चुका पिछले वीडियो में, उसको भी जाके जरूर देखना हम लोगों ने। एंड गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं आप लोगों से ऐसे ही दास नेक्स्ट वीडियो में, तब से ऑसम मैन बाय।